Okay, see, last time we were doing retirement by revenue with customer. ठीक है, विद कस्टमर में हमारे पास बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं, सिंपल हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, ठीक है। अब पोस्टिंग की जो आएगी ना आपके इधर, वो 01 कस्टमर की है। कस्टमर आपका है 4511 कवाड़िया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, 145 कवाड़िया कवाड़िया 50, और यहां पे हम देंगे 80202। अब यहां पे जब 80202 को मैं स्टार देता हूं, तो मेरे पास यहां पे एक चेक आता है। है स्क्रीन स्टार चल रही है सर चल रही है ना, जी सर। यहां पे एक चेक आता है एसेट रिटायरमेंट बाय स्क्रैपिंग, या एसेट रिटायरमेंट का एक चेक आता है, वो नजर नहीं आ रहा। ओके शेप साहब आप आ रहे। अच्छा तो मैं फिर गया उसके उस पे 80202 में, यहां पे हमने लगाया था क्लियरिंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, वो है एफबीकेपी। एफबीकेपी में फील्ड स्टेटस ग्रुप्स T26, T26 में हमने उसे लगाया था क्लियरिंग अकाउंट्स में, एसेट एरिया क्लियरिंग अकाउंट्स। और यहाँ पे एसेट अकाउंटिंग में गए, और यहाँ पे आप देखें एसेट रिटायरमेंट एंड सब नंबर आर सप्रेस्ड, विल मेक इट ऑप्शनल, सिंपल एज दैट। सेव, ओन, रिक्वेस्ट, T26, फिल्डर ग्रुप, फिल्डर, एंटर, ये हो गया, ये बंद किया। अब जाएंगे FS00 पे, बल्कि हाँ ठीक है, FS00, और इस ट्रांजैक्शन को दोबारा से करते हैं। F-92, पिछली बार ये नहीं हमें समझ में आ रहा था, अमाउंट फिफ्टी। अच्छा इसके बाद मैं आपको बताता हूं, अब यहां पे देखिए वो आ गया हियर एसेट रिटायरमेंट पे, वो क्या करेगा, मुझसे डिटेल्स लेगा, कौन सी डिटेल्स, अबाउट द एसेट, एंटर एंटर। अब यहां पे मुझसे एसेट लेगा कौन सा, जिस पे डेप्रिसिएशन चला चुके। अच्छा डेप्रिसिएशन हमने किस पे चलाई थी, बॉबकैट 01 एक्सकवेटर, अकाउंट डिटरमिनेशन सारे यही है, 3/10/21/9 मेरे ख्याल इस पे चलाते हैं। एसेट वैल्यू डेट विल बी टुडे 2022, कंप्लीट रिटायरमेंट, पूरा रिटायर कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, डिस्प्ले ओवरव्यू, एंटर, मोर, डॉक्यूमेंट, सिम्युलेट, ओके। यहां से टेक्निकल क्लियरिंग क्यों कर रहा है, क्लियरिंग अकाउंट्स, टेक्निकल क्लियरिंग, इनकम, एसेट सेल्स अकाउंट, G01। G08 सेव, डेटा सेव। अब इसको दोबारा से मैं करता हूँ, 30,000 है वो ऑटोमेटिकली नहीं है, एसेट सेल्स अकाउंट F-92,
अच्छा जी 145 30,000 star asset retirement asset value date complete retirement enter display overview more document simulate asset sales account post 1802 was posted in company code. अब इसके हम will check entries. अब इसमें entries बहुत clear होती हैं आपकी. Asset sales account अच्छा इसमें फिर भी वो entry नहीं दिखाई. तो देखना चाह रहा था. और दफा करते हैं F-92 120,000 50 80202 0 transaction type 10 complete retirement अच्छा जी इसको मैं करता हूँ post 1804 was posted document display अभी भी दो आ रही है AW01N में अगर मैं जाता हूं यहां पे ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन पोस्टेड पोस्टेड वैल्यूज ये हैं और डेप्रिसिएशन ये इसने पोस्ट कर दिया है 1779 ठीक है और नेट बुक वैल्यू डाउन पेमेंट्स वैल्यू एडजस्टमेंट 1779 अच्छा अब अगर मैं एपीसी ट्रांजैक्शन ठीक है अब इसका यहाँ पे कोई वो आ नहीं रहा है ठीक है ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन इसने जो है इतना चार्ज कर दिया था और बाकी उसने रिवर्स कर दिया इसका जो डेप्रिसिएशन था उसने किसमें कर दिया उसके स्क्रैपिंग में कर दिया बट थिंग इज FB03 में अगर मैं जाता हूँ 1804 का ही देखता हूँ इसमें यहाँ पे जो एंट्रीज आती हैं वो कुछ इस तरह होती हैं कि वहां पे मैं आपको बताता हूँ and अच्छा जी अकाउंटिंग एंट्री जो होती है ना कुछ किस तरह होती है कस्टमर अकाउंट आपका डेबिट होता है एसेट सेल्स अकाउंट जो पहला हमने देखा वो क्रेडिट होता है फिक्स एसेट का जो अकाउंट होता है वो भी क्रेडिट हो जाता है एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन आपका वो हो जाता है एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन आपका
डेबिट हो जाता है एसेट क्लियरिंग अकाउंट, ये भी कौन सा अकाउंट है ये मैं आपको बता देता हूँ, A090 चार्ट ऑफ अकाउंट्स T26 अकाउंट डिटरमिनेशन बिल्डिंग्स बैलेंस शीट अकाउंट्स नहीं बिल्डिंग्स नहीं था मशीनरी था अकाउंट डिटरमिनेशन मशीनरी बैलेंस शीट अकाउंट्स यहाँ पे अब आपका क्लियरिंग अकाउंट 80202 होता है ठीक है 80202 होता है और ये आपका डेबिट हो जाता है ठीक है गेन लॉस क्रेडिट या डेबिट होता है अगर उसमें कोई गेन लॉस अगर हो रहा है ये सारी चीजें दिस इज द एंट्रीज दैट यू गेट गेन हमारा इसमें आना था लॉस हमारा इसमें आना था सिंपल एज दैट लेकिन इट इज नॉट जनरेटिंग दैट अमाउंट एक दफा और ट्राई कर लेते हैं लेट्स ट्राई अनदर टाइम वन मोर टाइम ठीक है About 30,000 50 लेकिन एक सेकंड OFS00 अच्छा जी 80201 AO90 machinery balance sheet accounts 80202 clearing account 80202 this should not be expense nahi Clearing account revenue from revenue है तो income account होगा income account होगा तो फिर सही लगा हुआ है सही लगा हुआ तो फिर 0008 post automatically data saved अच्छा एक और अब let's try one more ठीक है F-92 30,000 50 30,000 asset sale account star Enter. अच्छा जी 0100 ये भी कर दिया हमने कि नहीं किया asset value date का मतलब है कि इस दिन तक का जितना depreciation है उसको that date depreciation will be accounted for complete retirement you cannot post to this asset deactivated okay अच्छा अब मैं करता हूं ये एक कंफर्मेशन आपको मिल गई ठीक है कंटिन्यू डीएक्टिवेटेड कंफर्म हो गया ये भी हमें एक और एक एसेट बनाना पड़ेगा AS01 एसेट क्लास विल बी मशीनरी Caterpillar BHP
58 time dependent cost center. अटक गया किसी वजह से, पता नहीं अच्छा जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिक्स्ड एसेट्स पोस्टिंग एक्विजिशन एक्सटर्नल एक्विजिशन विद वेंडर 17-10 और बीएचपी एक्विजिशन 44,000 31. अच्छा जी, वेंडर अब आपके कौन सा था, हैश डैश क्लियरिंग था ना, हैश डैश क्लियरिंग ओके 44,000 70 at 4 Caterpillar 3000 BHP withholding tax base amount 100 hoga yahan pe acquisition 100 ya 110 hoga external enter 80201 chart of accounts T26 company code T26 account 80 must be reconciliation account for assets
देख सकते हैं। जीरो जीरो टू जीरो वन Recon account, shipping recon, customer recon, assets, APC, APC का asset बना हुआ है, accumulated depreciation, assets बना हुआ है, ठीक है, 80201 को वो क्यों recon account कह रहे हैं, recon account account has a balance. This is the problem. USD में चल रहा है. Account 100 है. T26 है. अच्छा. A0 A490 T26 chart of accounts. Account determination. बैलेंस शीट अकाउंट्स 80201 अब देखना है 80202 है 01 तो कंट्री भी नहीं है 1050101 कहीं भी नहीं लगा हुआ 80201 Recon accounts, shipping recon 60,000, tax, rolling tax 0030, F-90, Seventy, 100, continue. It must be reconciliation account assets. ये ऐसे मसले आते हैं मेरे भाई फिर इसको कैसे हल करें अब गले पड़ गया purchase order 0201
नेम पोस्टल कोड हैश डैश क्लियरिंग। अच्छा FI वेंडर कंपनी कोड 107 60,000 रिकॉन 36। यहाँ पे भी 80201 नहीं है गाइस, इसको अब नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। लेट्स लुक एट इट इन द नेक्स्ट सेशन। Set it down.